138 छात्र छात्रा है मेरे पास। दो चार दीवारी वगैरह नहीं, कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी। चापाकल गलवाते हैं, यहाँ से चोरी हो जाती है, बराबर की यही रूटीन है। यहाँ दारू तारू गजा पी के यहाँ सारा काम डिस्टर्ब, परेशान रहते हैं, हम खुद परेशान रहते हैं, हम दूसरे को क्या बोलें। विद्यालय का स्थिति अभी जर्जर है, मास्टर लोग उससे जूझ रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं, पर सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। हमारा कहने का मतलब है कि हमारा ही समाज का लोग है, बच्चा है, हरिजन समाज के लोग में पढ़ रहे हैं, बच्चे लोग आ रहे हैं, अपना चटाई लेके आते हैं, बोड़ा लेके आते हैं, इनका हर बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार ये बातें कह रही है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो रहे हैं, स्कूल की स्थिति सुधर रही है, लेकिन आए दिन बिहार के अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है जहां एक बार फिर से बिहार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। खबर बिहार के कटिहार जिले से निकलकर सामने आ रही है जहां स्कूल की स्थिति देखने के बाद बिहार सरकार पर यह सवाल खड़ा हो रहा है कि बिहार सरकार किस तरीके से कहती है कि स्कूल की स्थिति सुधर रही है। आपको बताने चले कि कटिहार का ये स्कूल जो है वो 10 साल पहले बना था, लेकिन यहाँ पर अभी तक ना तो वॉशरूम है, ना ही बच्चों के पानी पीने के लिए, ना ही कोई नल लगाई गई है। वहीं आपको बताते चले कि इस स्कूल के चार दीवारी तक नहीं है, जिसके कारण चापा कल जो लगाया गया था स्कूल में, उस चापे कल को भी किसी ने उखाड़ ले गए हैं। क्या कुछ स्कूल के बच्चे बोल रहे हैं, चलिए आपको हम सुनवाते हैं उनकी पूरी। यहाँ पर घर से पानी लाकर पीते हैं, यहाँ चापाकल नहीं है। चापाकल नहीं है? नहीं। तो क्या करते हो प्यास लगने पर? घर से लाते हैं पानी पीने घर से। अच्छा, बाल्टी में पानी भरा हुआ रहता है? हाँ। नीचे ही बैठते हो विद्यालय में? हाँ। बेंच उंच नहीं है? नहीं। फ्लोर टूटा हुआ है? हाँ। कितना दिक्कत होता है बैठे हुए? बहुत दिक्कत होता है। हाँ? क्या चाहती है? यहाँ ब्रिंच उड़ींच लग जाए तब बैठने में अच्छा लगे। क्या ना मतलब? वही प्रभारी प्रधान अध्यापक का क्या कुछ कहना है स्कूल की स्थिति को लेकर, उनकी बातों को भी आप सुनिए। बच्चे लोगों के पानी नहीं है, जमीन टूटा हुआ है, बेंच नहीं है, क्या करना? इसमें हम क्या बोल सकते हैं, इसमें तो बड़े पदाधिकारी से आप मिलिए, बात कीजिए। हमारे पास तो कोई फंड है नहीं जो कि हम विद्यालय के लिए कुछ कर सकें, जहाँ तक होता है वहाँ तक कर रहे हैं। कितने हैं सर छात्र छात्रा? कितने हैं? 138 छात्र छात्रा है मेरे पास। स्टूडेंट शिक्षक कितने हैं? दो। चार दीवारी वगैरह नहीं? कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी। चापाकल गलवाते हैं, यहाँ से चोरी हो जाती है, बराबर की यही रूटीन है। यहाँ चार दीवारी भी नहीं? चार दीवारी भी नहीं है, बहुत परेशानी है। दारू तारू गजा पी के यहाँ सारा काम डिस्टर्ब, परेशान रहते हैं, हम खुद परेशान रहते हैं, हम दूसरे को क्या बोलें। किसी से कोई बात बोलिए तो उल्टा जवाब मिलता है। हरिजन एक्ट ही पहले तो वही हरिजन एक्ट होगा ही आप पे, उसके बाद पता चलेगा आपको क्या होता है। दो सर, दो टीचर हैं। हैं, मेरा नाम त्रिभुवन सिंह, प्रभारी प्रधानाध्यापक। विद्यालय का स्थिति अभी जर्जर है, मास्टर लोग उससे जूझ रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं, पर सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। हमारा कहने का मतलब है कि हमारा ही समाज का लोग है, बच्चा है, हरिजन समाज के लोग में पढ़ रहे हैं, बच्चे लोग आ रहे हैं, अपना चटाई लेके आते हैं, बोड़ा लेके आते हैं, इनका हर चीज़ सुविधा होनी चाहिए। पंखा नहीं है, बहुत तरह की बात है जो इनको मुहैया कराया जाए। पानी की व्यवस्था? जी, पानी का भी व्यवस्था गलत है, नहीं है। यहाँ पे परसीमन होनी चाहिए, परसीमन नहीं हुआ। बच्चे हमारे प्रार्थना करते हैं तो मान के चलिए कि इस खुले मैदान में करते हैं, पर क्या होता है, उनका ध्यान बढ़ जाता है। देखिए, बच्चे हमारे हैं, अगर अच्छा शिक्षा न होगा तो उनकी ध्यान अलग बढ़ जाएगी। क्या नाम है?
मेरा नाम अवधेश मल्लिक है। महादलित आबादी बहुल इस विद्यालय में 1 से 5 तक कक्षा के लिए 138 छात्र छात्राएं हैं, जहां 2 शिक्षकों के सहारे ये विद्यालय संचालित हो रहा है। बात अगर इस विद्यालय की मूलभूत सुविधा की करें तो बच्चे टूटे हुए जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर है। लगभग 10 साल पहले शुरू हुई इस विद्यालय में अब तक बच्चों के बेंच डेस्क की सुविधा नसीब नहीं हुई है। इससे भी बड़ी संकट विद्यालय के बच्चों में पानी पीने की व्यवस्था को लेकर है। विद्यालय में 4 दीवारी नहीं होने से 2 महीने पहले चापा कल चोरी हो चुका। ऐसे में बच्चे प्यास लगने पर पानी के लिए उन्हें इधर उधर जाना पड़ता है। वहीं आपको बताते चले कि लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार बड़े बड़े वादे करती है। सरकार का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए वो एक से एक योजनाएं निकाल रहे हैं, एक से एक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आए दिन बिहार के अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें निकलती है वो सरकार के इन सारी योजनाएं और सारे निर्देश पे सवाल खड़े कर देते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन।